नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी संगठन और शिवराज सरकार भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। आदिवासी गौरव दिवस की तर्ज पर ही बीजेपी अब अंबेडकर जयंती को नया स्वरूप देने की कोशिश में है। जिस तरह भोपाल के जम्बूरी मैदान में करीब 5 लाख आदिवासी बंधुओं को बिरसा मुंडा जयंती पर बुलाया गया था, उससे कुछ अलग और कुछ मिलते जुलते अंदाज में आयोजन की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि आयोजन का प्रदेश की 35 एससी सीटों पर कितना असर होगा और अब कांग्रेस दलित वोटों को खिसकने से कैसे रोक पाएगी, पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है, लिहाजा एक तरफ बीजेपी अपनी योजनाओं के जरिए हर वर्ग को सौगातें दे रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी जातिवादी वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में भी जुट गई है। जिस तरह पिछले साल बिरसा मुंडा जयंती के बहाने बीजेपी ने आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद की थी, इसके लिए भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर किया गया तो वही टंटिया भील के नाम पर भी कई स्थानों का नामकरण हुआ। इस कवायद के बाद बीजेपी अब एससी वर्ग को रिझाने में जुट गई है, लिहाजा बीजेपी अंबेडकर जयंती के जरिए दलितों को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 14 अप्रैल को बीजेपी सरकार और संगठन ने प्रदेश भर में इस दिन को सेवा पर्व के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा, साथ ही दलित बस्तियों तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके अलावा 6 से 14 अप्रैल तक बीजेपी एक सप्ताह तक कई कार्यक्रमों का आयोजन कर सामाजिक समरसता का संदेश भी देगी। इन कार्यक्रमों में कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आ रहा है तो उस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। और पहले महू में कोरोना के पहले ये कार्यक्रम संपन्न होता रहा है, अभी कोरोना काल में जरूर ये कार्यक्रम नहीं हो पाया है अंबेडकर जयंती का, तो अभी इस बार भोपाल में मनाने की चर्चा हुई है और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मिली है तो भोपाल में। इसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है, कार्यक्रमों को भव्य बनाने में बीजेपी के कार्यकर्ता जुट गए हैं, लिहाजा बुधवार को बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को संगठित करने और बीजेपी से जोड़ने की योजना बनाई गई। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने भी बताया कि एक सप्ताह तक पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। दरअसल प्रदेश में 35 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2013 के मुकाबले 2018 में इन सीटों पर बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई थी, नतीजा बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा था, लिहाजा बीजेपी इस बार जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में बीजेपी ने जब एसटी वर्ग को लुभाने के लिए महा आयोजन किया था तो एससी वर्ग को लुभाने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है और इस वर्ग को लुभाने के लिए अंबेडकर जयंती से बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। हमारे साथ तीन खास मेहमान है, उनके जरिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, परिचय कम करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, मैम आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से अजय शाह जी जुड़ गए, प्रवक्ता आपका बहुत स्वागत है अजय शाह जी, और वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष जी हमारे साथ में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला कमेंट है दिव्या जी आपसे ही, तो ये क्या बिरसा मुंडा जयंती पर जो वनवासी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने महा आयोजन किया था, भव्य महोत्सव हुआ था, गौरव दिवस मनाया गया था, क्या ठीक उसी तर्ज पर ही एससी वर्ग को साधने के लिए ये 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जयंती, क्या इसीलिए इतनी बड़ी तैयारियां हो रही हैं बीजेपी में? मेरा ये मत है कि बाबा साहब अंबेडकर को जितना मनाया जाए, जितना साधा जाए, जितनी उनकी तपस्या को प्रणाम किया जाए वो कम है। जितनी उनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं और जितना उनके बारे में जानते हैं और जितना उनको समझना चाहते हैं, हर बार एक नया आयाम मिलता है, हर बार कुछ सीखने को मिलता है। उनके संघर्ष की कथा और उन्होंने जिस संघर्ष को पार करके जो अपने जीवन में उपलब्धियां पाई हैं, संपूर्ण भारत को नहीं, संपूर्ण व्यक्तियों को, जितने हम सब हैं उन सबको उनका नमन करके उनसे आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी इस पिछड़ेपन को, अपनी इतनी गरीबी को, अपनी इतनी मुग्धि को, अपने इतने अपमान को, तिरस्कार को
दबा, कितनों ने उनको कितना कुछ ने कहा और दबाया, उस सब के बावजूद उन्होंने जो हासिल करा है, जो उपलब्धियां हैं उनकी, क्या उसके बारे में संपूर्ण भारतीय देश को या हम सबको क्या गर्व नहीं होना चाहिए? और बड़ी विडंबना ये रही कि अम्बेडकर जी को कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के समय में, जहाँ पर उनके साथ हम कदम थे, हम दाल थे, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान उनको कभी नहीं दिया गया। और जिस अपमान का घूंट पीकर शायद वो सारी उम्र रहते रहे, वही अपमान का घूंट उनको कांग्रेस ने बार बार पिलाया। इस बात का बहुत दुख है और इस बात का हमेशा ही दुख रहेगा कि उस व्यक्ति का सम्मान नहीं हुआ एक टैटू लगाने से, अंबेडकर जयंती के दिन हार फूल फैला देने से। कभी भी सम्मान नहीं होता क्योंकि जब तक उनको स्मरण नहीं किया जाएगा, जब तक उनको याद, देखिए बिल्कुल स्मरण भी किया दिव्या जी, लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि भाई हार फूल पहनाने से क्या हो जाएगा, वही हम भी पूछ रहे हैं कि आप भी आयोजन क्या अलग क्या खास करेंगे इसमें, जिससे जिस वर्ग के लिए वो लड़ते थे यानी एससी वर्ग के लिए, ऐसा क्या खास आप लोग करने वाले, यानी जो वनवासी बंधुओं के लिए वो आयोजन, क्या वैसी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं या फिर क्या खास रहेगा? मतलब क्यों ये बाकी आयोजनों से, भाई हर साल महू में भी होता था, आप तो इंदौर की हैं, तो उससे इतर भोपाल में या फिर अन्य स्थानों पर क्या बड़ा कार्यक्रम होने वाला? हर बार अंबेडकर जयंती को अगर मनाना हो तो हम महू ही क्यों जाएं, हम कहीं और क्यों ना करें, क्योंकि बाबा साहब तो पूरे देश के थे, तो वो भोपाल में मनाना हो या जबलपुर में मनाना हो या खंडवा में मनाना हो, तो बाबा साहब तो पूरे देश के थे। हर तरफ से यदि लोग इकट्ठा होकर आज भोपाल पहुंचेंगे और उनको याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो एक दिन एक बहाना होता है किसी व्यक्ति को ज्यादा याद करने का, वरना तो स्मरण तो रोज ही होता है। मैंने कहा कि हम सब उनको याद करेंगे, पुस्तक पाठ्य पुस्तकों में उनका उल्लेख नहीं होना, उनका उल्लेख होना चाहिए, उनके बारे में बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाना चाहिए। अंबेडकर जी के बारे में जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं था उसको सम्मिलित करके बच्चों को क्या इस बारे में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए कि किस तरह से उस व्यक्ति ने करा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमको याद करके उन पर स्मरण करने का एक बहाना होता है, स्मरण करके उसके साथ कुछ योजनाएं भी होती हैं सरकार की तरफ से, और उन व्यक्तियों का सम्मान भी होता है ताकि उनको गर्व महसूस हो कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये सरकार उन व्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई है, और उनके जो नेता थे जिन्होंने जमीन से ऊपर तक उठाए हैं, क्या हम उनका सम्मान न करें? तो क्यों न करें? हमें गर्व है इस व्यक्ति पर, हमें गर्व है भारत माँ के सच्चे सपूत पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी नमन कर रही है 14 तारीख। ठीक है, तो ये एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। अजय शाह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय शाह जी, बीजेपी एक हफ्ते का कार्यक्रम करने वाली, यानी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक तो अलग अलग आयोजन होंगे ही होंगे, इसके अलावा 14 अप्रैल को बीजेपी दलित बस्तियों में जाएगी, यानी बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, सेवा पर्व वहां मनाया जाएगा, तमाम आयोजन। तो ये अजय शाह जी देखिए, जो आप लोग कहते हैं कि क्या किया इस वर्ग के लिए, क्या किया उस वर्ग के लिए, कर रही है बीजेपी 14 अप्रैल से पहले 6 दिन का एक बड़ा आयोजन और फिर 14 अप्रैल को तो है ही है, तो मानेंगे कि भाई बीजेपी इस वर्ग की भी सुध लेती है? आप लोग केवल मुद्दे उठाते हैं, काम बीजेपी करके दिखाती है। जी अजय शाह जी, एकदम से बीजेपी को या उनकी माननीय प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी को अंबेडकर साहब की याद क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई, एक मुद्दा ये। फिर अभी मैं इनसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बड़े शिद्दत से कितना भी नाटक कर लो बढ़ चढ़ कर, आप हुजूर मन से कभी ना निकाल पाओगे छुआछूत को दूर। आप ये बताइए, कुछ दिन पहले जब उज्जैन में पर्व हुआ था, कुंभ हुआ था, वहां उन्होंने भी बड़ी जोर शोर से वो क्या बोलते हैं सामाजिक समरसता मनाया था, आपको भी याद होगा, आपने भी दिखाया था। अब आप बताइए, जिस छुआछूत की मैं बात कर रहा हूं, अगर छुआछूत दूर करना है मनुस्मृति से, दलित और आदिवासियों को शूद्र नहीं मानते अगर ये लोग, उसको वो स्टिग्मा दूर करना था, तो जो स्नान इन्होंने किया था समरसता के नाम पे, वो अलग से क्यों किया था दलितों के लिए? वहां जहां साधु संत इकट्ठे हुए थे, जहां मेन कुंभ हुआ था, वहां ले आके अमित शाह जी खुद वहां आए थे, वहां उनके साथ स्नान क्यों नहीं किया? तो ये जो छुआछूत का जो रोग है, तो इनके मानसिक उसमें गड़ा हुआ है, वो ये निकाल कभी नहीं पाएंगे। फिर दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ,
नहीं, दलित के घर खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, आप अलग ही एंगल से ढूंढ लाते खबरें अजय शाह जी। नहीं, ये आप बताइए ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। अरे मोदी जी भाई, मोदी जी वो सफाई कर्मियों के पैर छू रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, उनको भोजन परोस रहे हैं, फिर भी आपको लगता है छुआछूत हो रहा है, बताइए आप। देखिए इवेंट मैनेजमेंट पे इनका कोई जवाब। अच्छा, वो करें तो फिर इवेंट मैनेजमेंट हो जाता है, नहीं करें तो आप कहते देखिए साहब ये छुआछूत कर रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप जिद्दत से, पहली बात तो मैं दिव्या जी से पूछना चाहता हूँ कि मनुस्मृति में, और आज मनुस्मृति पे नहीं है साहब चर्चा, कौन मान रहा है मनुस्मृति को, कोई मानता है क्या, बताइए मुझे कौन मान। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी और दलितों को ये शूद्र मानते हैं या नहीं मानते, आपको लगता है आज की तारीख में कोई ऐसा कह सकता है, सीधे केस हो जाएगा अजय शाह जी, आपको लगता है ऐसा कोई बोलेगा? नहीं नहीं, हाँ। लेकिन आज हमें घोड़ी चढ़ने नहीं देता है। हाँ। हमें कुएं से पानी, सब आप कहते हैं ये तो आज भी, हाँ। आज भी ग्रामीण अंचल में चले जाइए, आज उस कुएं से हम पानी भर नहीं सकते, बरात निकाल नहीं सकते।